डिप्रेशन में है पूरी भाजपा। देश की जनता बोल रही है कि मोदी जी जो है मुद्दे की बात करना मुश्किल है। मोदी जी हैं तो नौकरी मिलना मुश्किल है, गरीबी हटाना मुश्किल है। मोदी जी ने इतना झूठ बोला है कि अब देश की जनता जो है सह नहीं पा रही। 400 का नारा भूल ना गए मोदी जी? एक बार भी अब सेकेंड फेज होते होते 400 का नारा भूल गए? हमने पहले ही बोला था 400 फिल्म का फर्स्ट फेज में ही जो फिल्म था वो सुपर फ्लॉप हो गया है। सेकेंड फेज में तो पिक्चर में फिल्म चढ़ा ही नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे फेज के लिए वोटिंग 7 मई को होनी है। इस चरण में बिहार की 5 सीटों झंझापुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में मतदान होंगे, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि दूसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी वाले डिप्रेशन में हैं। अब भूल गए कि 400 पार का नारा लगाना। 400 पार वाली फिल्म पहले चरण में ही सुपर फ्लॉप हो गई, दूसरे चरण में तो फिल्म चली ही नहीं। बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं, सेकेंड फेज के बाद डिप्रेशन में है। अब देश की जनता बोल रही है कि मोदी जी जो है मुद्दे की बात करना मुश्किल है। मोदी जी हैं तो नौकरी मिलना मुश्किल है, गरीबी हटाना मुश्किल है, विकास की बात करना मुश्किल है, नौकरी मिलना मुश्किल है, बेरोजगारी मिटाना मुश्किल है। तो मोदी जी ने इतना झूठ बोला है कि अब देश की जनता जो है सह नहीं पा रही। और मोदी जी ने वो फिर से वही बात, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार, गरीबी, किसान, महंगाई, इन पे बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ बात करना आता है उनको? वो केवल समाज में जहर बोना, यही उनका काम है। अब देश की जनता पहचान चुकी है। 400 का नारा भूल ना गए मोदी जी? एक बार भी अब सेकेंड फेज होते होते 400 का नारा भूल गए? हमने पहले ही बोला था 400 फिल्म का फर्स्ट फेज में ही जो फिल्म था वो सुपर फ्लॉप हो गया है। सेकेंड फेज में तो पिक्चर में फिल्म चढ़ा ही नहीं। राहुल ने भी कहा है कि मंत्री घबरा गए, कभी उनके डिप्रेशन में है पूरी भाजपा। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग परेशान हैं, अब जनता उनके झूठ पर विश्वास करने वाली नहीं है। इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है तो लोग जो है परेशान है। मोदी जी बिहार आए, कल दो सभाएं किया उन्होंने, एक बार भी जो है मोदी जी ने मुद्दे की बात नहीं की। बिहार में 40 में से 39 सांसदों ने जिताया, कोई भी उपलब्धि बिहार के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि 10 साल की उनकी क्या उपलब्धि है, ना ही आने वाले 5 साल का उन्होंने जिक्र किया कि क्या विजन है बिहार के लिए। बिहार के लोग तो प्रधानमंत्री से यही सुनना चाहते थे ना कि भाई आपने 10 साल में क्या किया, और फिर ठीक है आप आए हैं वोट मांगने तो अगले 5 साल के लिए आप बिहार के लिए क्या करेंगे। तो मोदी जी ने इतना झूठ बोल लिया है 10 सालों में कि अब जनता उनके झूठ पर विश्वास करने वाली नहीं है। मोदी जी बोल रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण, मोदी जी तो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हो भाई? कभी हुआ है ऐसा? कोई छीना है और छीन करके किसी को दिया है? मोदी जी वही तो मुद्दे की बात नहीं ना कर रहे हैं, ये असल में वही बात पे आ गए ना जिस बात का हम लोग लगातार बोलते थे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई पे नहीं बात करेंगे, शिक्षा चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी नौकरी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई गरीबी पे बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात। बहरहाल तेजस्वी यादव इन दिनों पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 4 जून को बिहार की जनता किसे अपना मुखिया चुनती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह और संजीव कुमार की रिपोर्ट।